बादरायण शूत्रभाषिकृत वंदे भगवन्तो पुनः पुनः भगवन्तो पुनः पुनः गंगातरंगरमणीयजटाकलापं गौरीनिरन्तरविभूषितवामवागम नारायण प्रियमनंग मदापहारम वाणारसीपुरपतिं भजवेश्वनाथम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः। परम आराध्य सुशांग शिखर महामृत्युंजय प्रियंकर अभूत भावन भगवान शंकर अखंड कोटि ब्रह्मांड नायक करुणामूर्ति मानवता के मान बिंदु मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राघवेंद्र सरकार इस पावन पवित्र पुण्य धरा पर स्थापित भगवान विष्णु महायज्ञ के रूप में हम सब लोगों के साक्षी के रूप में यज्ञ नारायण भगवान इस पावन पवित्र कालिंद्री के तट पर साधना में लीन रहकर अपनी साधना को प्रकाशित करने वाले परम श्रद्धे स्वामी जी अक्षयानंद जी महाराज इस पुण्य भूमि के द्वितीय भास्कर भारत नहीं अपित विश्व में विश्व नहीं अपित त्रैलोक्य में जिनकी गरिमा की गाथा गाई जा रही है क्योंकि यह वेदव्यास की पवित्र भूमि है जिसके द्वारा पूरा विश्व आज भागवत को जानता है। ये काल्पी कोई साधारण भूमि नहीं है, ये त्रैलोक्य में स्थित देव पितर गंधर्व यक्ष क्योंकि वेदव्यास कोई पुरुष नहीं थे, वो साक्षात भगवान के अवतार थे, तो ये भगवान की अवतरण भूमि है। इसलिए हम सब लोग इस भूमि को नमन करते हैं। उपस्थित संत जन को हृदय से सम्मान आए। पावन पवित्र भूमि पर महाराज जी ने मुझे आज के लगभग 4 महीने पहले संस्मरण दिलाया, महाराज जी मेरे यज्ञ में आना है, ऐसा कार्यक्रम है। मैंने कहा महाराज जी बिल्कुल समय है, डायरी देख लूं, चूंकि दूसरा तो काम है नहीं, साधुओं के पास कुछ काम भी नहीं है, एक ही काम है, समय निकला। और हमारा भी एक यहाँ शिष्य, यहाँ से महाराज जी थोड़ी दूर पर उसने कहा दीक्षा ले ली थी रेवाड़ी फतेहपुर में, यहाँ वो रहता था। मुझे उस दिन याद आई कि शायद आज आया भी है वो। तुमने कहा चलो इस बहाने यज्ञ का दर्शन होगा और काल्पी की पवित्र भूमि का दर्शन होगा। मैं काल्पी बहुत आया हूँ पर कथा कहने कभी नहीं आया। मैं राम जन्मभूमि आंदोलन में यहाँ आया, गुरुदेव के साथ भी आया, मृतम्बरा जी के साथ भी आया, पर वो सब आने का कारण दूसरा था। पर आज मैं आपके बीच में सत्संग के कारण आया हूं। तो आए भगवान के इस चरणों में उपस्थित संत जन, विद्वत जन, आचार्य जन, सभी लोगों को हृदय से मेरा बहुत बहुत यथाउचित सम्मान। आए दो बार प्रभु नाम ले, इसके बाद भगवान की चर्चा। महाराज जी ने अभी कहीं विलंब हो गया, भाई मैं तो समय से आ गया था, 1 बजे मैंने 1 बजे का टाइम दिया था, मैं 1 बजे पहुंच गया था, क्योंकि मैं टाइम का बहुत पहुंचवाल हूं। टाइम इज मनी, टाइम इज गॉड, टाइम इज लाइफ। समय ही भगवान है, समय ही धन है और समय ही जीवन का सत्य है। मैं तो समय का बहुत महत्व रखता हूं, मैं टाइम से आ गया था। पर पहला दिन था, महाराज जी व्यवस्थाएं कर रहे थे, पर एक घड़ी आधी घड़ी जितना समय है पर्याप्त है और 2 दिन और रहना है। आए भगवान के चरणों में। अभी तक जैसा कार्यक्रम चल रहा है बहुत अच्छा चल रहा है, मुझसे ज्यादा अच्छा चल रहा है, पर अब जो चलेगा वो मेरे अनुरूप चलेगा। जब मैं बोलूंगा श्रद्धा से भाव से और भक्ति के साथ बोलेंगे,
तालियां सभी लोग बजाएंगे, जो नहीं बजाएंगे हम समझ जाएंगे वो कथा में नहीं आए हैं, वो केवल देखने आए हैं कि श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। सभी बोले जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। सभी बजाएंगे, सभी भाग्यशाली होते हैं वो लोग जिनके हाथ उठते हैं। बहुत लोग अस्पतालों में पड़े हैं, दिन में चार चार छह छह इंजेक्शन लग रहे हैं कि दादा हाथ उठाओ, घर वाले कहते हैं हिलाओ, बोले नहीं उठ रहा, डॉक्टर कहता है एक बार हिला के देखो, बोले नहीं हिल रहा। अपन तो भाग्यवान है, कम से कम दोनों हिल रहे हैं, और जब तक हिल रहे हैं तो जोर से हिलाते रहो। श्री राम जय राम जय जय सरकार की जय। कंजूसी सेनी दोनों हाथ उठा के वैदिक सनातन धर्म की जय। यज्ञ नारायण भगवान की जय हो। पथिक जी महाराज की जय हो। आए भगवान के पावन चरणों में। यज्ञ क्या है और यह यज्ञ जैसे हम आप यज्ञ को समझ जाए तो समझ जाना हम दिन भर यज्ञ करते हैं। दिन भर यज्ञ, यज्ञ के प्रकार, यज्ञ के रूप वेदों में शास्त्रों में अनेक प्रकार से बताए गए, पर जो ये यज्ञ चल रहा है ये धर्म का संरक्षण, सनातन का प्रचार, भक्ति का जागरण और समाज का मिलन, इसका उद्देश्य है। वेदों पे मत जाना कि वेद कहते हैं ये यज्ञ है। मैं तो वर्तमान परिस्थिति में आपको समझा रहा हूं। इस बहाने से इस दस गांव के लोगों का मिलना जुलना, उठना बैठना, आना जाना, स्थान के प्रति लोगों के अंदर श्रद्धा पैदा होना, संत समाज का दर्शन हो जाना और एक दूसरे से मिलने का एक बहाना भी हमारा यज्ञ है। आए, तीन दिन की कथा है, चाहे जो बिंदु उठा लिया जाए, और वैसे भी ये तो कवि सम्राट की भूमि है। पथिक जी महाराज कोई साधारण साधु नहीं थे, ये कवि सम्राट की भूमि है। यहाँ यदि विद्वान यहाँ आता है तो समझ जाए कि उसे कुछ यहाँ मिलेगा, वो देने नहीं आ सकता है, ध्यान रखना। कालपी में आकर के कोई कुछ दे नहीं सकता, कालपी में आकर के दुनिया का कोई विद्वान कुछ नहीं दे सकता, क्योंकि यहाँ के महापुरुषों ने हमें भागवत दिया है और पथिक जी जैसे विद्वानों ने हमें वाणी दिया है। तो यहाँ देने वेने का कोई काम नहीं है, कोई कालम नहीं है, यहाँ तो लेने आते हैं और हम भी लेने आए हैं। देने के लिए तो पूरा देश है, यहीं से पूरे देश में बट रहा है। टीवी खोलोगे लाखों भागवते देश में चल रही हैं, लाखों कथाएं चल रही हैं, और वो कल्पी से जा रही है। बोलो सही है कि नहीं? तो ऐसी जगह में हम तो समुद्र में, ज्ञान के समुद्र में बैठे हैं। आए मानस की पावन पवित्र भावनाओं, चार वेद, छह शास्त्र, 18 पुराण, श्रुति स्मृति, पंचम वेद महाभारत, 108 उपनिषद और गीता, पर कहीं रामायण का नाम नहीं मिलेगा। इनमें से कोई भी रामायण का भाव नहीं है, क्योंकि रामायण इनमें नहीं है।
वेद में रामायण नहीं, वेद वेद है। शास्त्र में रामायण नहीं, शास्त्र शास्त्र है। पुराणों में रामायण नहीं, रामायण नहीं है क्योंकि पुराण है। श्रुतियों में रामायण नहीं क्योंकि श्रुतियां हैं। स्मृतियों में रामायण नहीं क्योंकि स्मृतियां हैं। पंचम वेद महाभारत रामायण नहीं क्योंकि वो महाभारत है। गीता में रामायण नहीं क्योंकि वो देववाणी है। तो फिर ये रामचरितमानस क्या है? ये जितने हमने गिनाया ये ग्रंथ हैं, शास्त्र हैं, ब्रह्म ज्ञान के वट वृक्ष हैं, परंतु रामचरितमानस नहीं है। क्यों नहीं है जी? क्योंकि रामचरितमानस इन सब का सार है। चाहे वो शास्त्र सब ग्रंथन को बोलो रस। अच्छा रस तो जानते हो तुम लोगों ने पिया होगा। गन्ना का रस तो सभी ने पिया होगा, मौसमी का भी पिया होगा। अच्छा सच बताना, 5 फुट का गन्ना और वो धीरे से एक गिलास में रह जाता है। 5 फुट का गन्ना लंबा चौड़ा और वो 6 इंच के गिलास में समा जाता है जब वो रस बन जाता है। पर याद रखना उस गन्ने की हिम्मत क्या है। जब तक वो गन्ना रहता है तो कठोर होता है, गांठों से युक्त। गांठ समझते हो? कठिनता माने गांठ, सरलता माने वे गांठ। तो वे गांठ माने जहां सरलता हो जाए और गांठ वहां तो ऐंठता रहता है। मैं नहीं छूटूंगा, मैं बंधा हूं। अपन तो काऊ से नहीं बंधे, बंधे नहीं है। बंधा तो वो है जिनके चारों तरफ बांधने वाले हो। और साधु को कोई क्या बांधेगा? जब घर वाले नहीं बांध पाए तो बाहर वाला क्या बांधेगा प्यारे? इसलिए गन्ना मत बनो, हमें तो रस बनना है। रस तो रस समझ गए? आए रामायण को मैं व्याख्या कर रहा हूं। तो 6 इंच का गिलास और वो 6 फुट का गन्ना उसमें बन गया। पर वो गन्ना तब मीठा लगा जब उस गन्ने ने अपनी मूल आकृति को समाप्त कर लिया। जब तक हम बने रहेंगे तब तक हम समाज को न स्वाद दे सकते हैं न समाज को तृप्त कर सकते हैं। उस गन्ने की मिठास जब गिलास में आई तो गन्ने का अस्तित्व समाप्त हो गया। उसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई रंग रूप बनावट सब समाप्त हो गया। और जिस दिन हमारा आपका ये सब समाप्त हो जाएगा उस दिन जीव ही ब्रह्म ही भेद कहो, जीव ही ब्रह्म ही भेद कहो कस, फिर जीव ब्रह्म का भेद समाप्त हो जाएगा। उसी दिन हम कह देंगे हम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ। जब तक वो हमारी आकृति 6 फुट की लंबाई बनी रहेगी, मोटाई बनी रहेगी, गांठे बनी रहेंगी, तब तक हम ऐठते रहेंगे, हिलते रहेंगे प्यारे। और जिस दिन हमारी वो आकृति नष्ट होगी और एक गिलास में हम आ जाएंगे तो जो भी पिएगा वो कहेगा आनंद आ गया, मजा आ गया। अरे इस आनंद को पाने के लिए तो दशरथ जी ने हजारों साल तपस्या की थी। जो आनंद सिंधु सुख राशि सीकर से त्रैलोक सुपासी। अगर आनंद को पाना है तो पहले ये बार वाली ऐठन समाप्त करना पड़ेगा। ये 6 फुट की बात क्यों कर रहा हूँ? हम आप जो है ना 5 फुट 4 फुट चाहिए तो भाग्यशाली है, कौन कितना फुट का बन जाए। पर ध्यान रखना जब तक ये फुट समाप्त नहीं होंगे तब तक गुट समाप्त नहीं होंगे, और जब तक गुट समाप्त नहीं होंगे तब तक तुम दूसरे के काम नहीं पड़ोगे। गुट में रहोगे तो गुट वालों के काम आओगे, गुटबाजी में चले जाओगे, और फुट में रहोगे तो नपते तुलते रहोगे। और जिस दिन दोनों मिट जाएंगे उस दिन समाज के हर व्यक्ति के काम के लायक हो जाओगे। इसलिए रामचरितमानस क्या है? चाहे वो शास्त्र सब ग्रंथन को रस। रस अब रस तो बन गया। तो जब पुराणों में नहीं, वेदों में नहीं, शास्त्रों में नहीं, स्तुतियों में नहीं, स्मृतियों में नहीं है तो फिर नाना पुराण निगमागम। अब चाहे जो पुराण पढ़ लो और चाहे इतना बड़ा कथाकार कोई आ जाए वो तो सीधे भागवत को पी जाए, पर बिना रामचरितमानस के उदाहरण की कथा नहीं कर सकता है। याद रखना प्यारे, कितना बड़ा वेदांती आ जाए, कितना बड़ा वो सार्वभौमिक गीता को पीने वाला आ जाए,
पर जब वो प्रवचन करेगा तो उसको उदाहरण रामचरितमानस से देना पड़ेगा, और जब तक मानस का उदाहरण नहीं होगा तब तक गीता भागवत की कथा समझ में नहीं आती है। बोलो है कि नहीं है, क्योंकि ये रस है, रस। अब जैसे ही रस मिला, रस है रामचरितमानस में, नौ रस है। अब रस का ही तो प्रभाव है। मैंने कहा चारों वेद श्रेष्ठ 18 पुराणों में नाम नहीं है, पर बेनाम बादशाह रामचरितमानस है कि बिना उसके कोई कथा नहीं हो सकती है। चाहे जितना बड़ा कथाकार आ जाए, कथा कहते कहते आखिर में उसको यही कहना पड़ेगा कि भैया मानस में ऐसा लिखा है, देख लेना। बोलो होता है कि नहीं होता है। आए तो जब ये कुछ नहीं है तो फिर मानस क्या है? मानस जो है छह वो शास्त्र सब ग्रंथन को रस। आगे बढ़े, अब गोस्वामी जी इसे पंक्तिबद्ध कर रहे हैं। इस मानस को लिखा किसने है? अब ध्यान देना मेरी बात पर। वो वेद पुराण श्रुति स्मृति महाभारत सबको लिखने वाला इस दुनिया से चला गया। बोलो गया कि नहीं गया? सब पुराण लिखने वाले विदा हो गए, पर रामचरितमानस लिखने वाला विदाई नहीं हो रहा, क्योंकि जिसने लिखा है वो अजर और अमर है। इसीलिए वो ग्रंथ अजर और अमर है। आज पूरी दुनिया में मानस हर जगह पूजी जाती है, और सबसे सरल भाषा में मानस की रचना की गई। मानस का लेखाकार कौन है, रचनाकार कौन है? कि रचि महेश, महेश जब दुनिया में कुछ नहीं बचे शेष, फिर भी रहते हैं महेश। अमर है, अजर है, अविनाशी है। रचि महेश निज मानस राखा, पाए सुसमय सुसमय। अभी बात चल रही थी ना टाइम की, समय दो होते हैं, एक सुसमय एक कुसमय, और रामायण में दोनों हैं। सुसमय वाले व्यक्ति ने भक्ति को प्राप्त कर लिया, और सरल कर दूं, सुसमय वाले व्यक्ति ने परमात्मा को प्राप्त कर लिया, और कुसमय वाले ने परमात्मा के अंदर भ्रम पाया तो मृत्यु को प्राप्त कर लिया। सती के जीवन में कुसमय था तो कुसमय जान नकीन चिन्हारी, और भगवान श्री राम के जीवन में समय है तो विश्वामित्र समय शुभ जानी। भगवान श्री राम के सामने सुसमय और सती के सामने कुसमय, तो कुसमय जान नकीन चिनारी, तो ये समय मिला है। तो ये जो यज्ञ चल रहा है ये हमारा आपका सुसमय है। यदि हमने इस सुसमय का सदुपयोग कर लिया तो जीवन में आने वाला कुसमय नष्ट हो जाएगा, और हम पूरे जीवन इस सुसमय का आनंद लेते रहेंगे, और ये हमारे जीवन के सुखद समय का साक्षी बन जाएगा। इसलिए जीवन में समय का बहुत महत्व होता है। रामचरितमानस को भगवान शंकर ने जब उमा जी को सुनाया तो पाए सुसमय शिवासन भाखा, भगवती अम्बा को सुनाया, और जैसे ही सुनाया तो शंकर जी ने डायरेक्ट नहीं सुनाया, क्योंकि ध्यान रखना कथा सुनते समय डायरेक्ट नहीं सिस्टम होता, कि जैसे ताकि हाथ ऊपर करो जल्दी से, बोलो जल्दी बताओ, पता है तो जल्दी समझ जाओगे। तुम्हारे भी तो तीन ही है महाराज, है कोई इसमें पुरुष? बाबाओं की बात नहीं कर रहा, बाबाओं के तो दो हैं, पर तुम्हारे तो गृहस्थों के तो तीन रहती हैं, बाबाओं के तो केवल दो ही हैं, ध्यान रखना, पर गृहस्थ के तीन हैं। अब क्योंकि इस समाज का हर व्यक्ति दशरथ है, और मैं तीनों रानियों का आपको दर्शन करा रहा हूं। वो कौन है तीन रानियां? ध्यान देना, कुमति सुमति सबके उर रही रहती है। बोलो दो हैं कि नहीं है? दो ये हैं, अब एक तुम्हारे घर में विराजमान है, तो बोलो तीन हो गई कि नहीं हो गई? पर साधुओं के तो दो हैं पक्का, कुमति सुमति।
हमारे तो दो है ना, पर तुम्हें तो तीन है। अब तीन क्यों है ध्यान रखना, क्योंकि दशरथ के तीन थी। अब दशरथ के तीन थी तो क्या तुम दशरथ नहीं हो? इसमें से हर व्यक्ति दशरथ है। अगर जीवित है तो दशरथ, दशरथ कोई व्यक्ति नहीं होता। दशरथ एक उपाधि है, दशरथ एक व्यक्तित्व है, दशरथ एक साधना है। इस शरीर के अंदर दस इंद्रियां हैं, पांच कर्मेंद्री, पांच ज्ञानेंद्री। दसों इंद्रियों को जो बस में कर ले वही दशरथ है। और जिस दिन दसों इंद्रियां तुम्हारे बस में हो जाएंगी, उस दिन तुम्हारे हृदय के आंगन में, तुम्हारे हृदय के आंगन में राम का अवतार हो जाएगा। जिस दिन इंद्रियों पर तुम्हारा दशरथ बनने की, जैसे गन्ने में मिठास है, गन्ने में मिठास है। अब कला यह है कि उसी गन्ने से गुड़ बनता है, उसी गन्ने से शक्कर बनती है। अब ये तो बनाने वाले कारीगर का विषय है। अब हम कहते हैं गन्ने में गुड़ नहीं है, गन्ने में तो गुड़ है, गन्ने में शक्कर नहीं है, गन्ने में शक्कर भी है। इसी तरह आप हम सब दशरथ हैं, पर दशरथ बनना मुश्किल है, क्योंकि इंद्रियां तो सबके हैं। बोलो हैं कि नहीं? पांच कर्मेंद्री, पांच ज्ञानेंद्री, एक इंद्रियां कम हो जाए तो सीधे आगरा पहुंचना पड़ेगा, कहेगा बच्चा मेंटल हो गया। इंद्रियां पूरी हैं कि नहीं? तो जब इंद्रियां पूरी हैं तो राम क्यों नहीं मिल रहे? हमारी दसों इंद्रियां जन्म से मृत्यु तक हैं, पांच कर्मेंद्री, पांच ज्ञानेंद्री, तो दिक्कत कहां आ रही है? दिक्कत ये आ रही है, हम उन इंद्रियों का सही तरीके से उपयोग नहीं कर रहे। जिस दिन हम इंद्रियों को जीत लेंगे, जितेंद्रिय हो जाएंगे, उसी दिन हमारे हृदय पटल में श्री राम का प्राकट्य हो जाएगा, उसी दिन भगवान श्री राम मिल जाएंगे। अब राम का प्रकट होना तो इंद्रियों का नियंत्रण है, इसलिए रामचरितमानस, जिस समय भगवान शंकर ने मानस को हृदय पटल पर उतारा तो सती से कहा, सावधान सुन सुमति। पहले तो सुमति धारण करो, बोले फिर बोले कुमति को घर में बिठा दो। आप लोग उसे यही प्रार्थना है, जब कभी यज्ञ में जाओ, संतों के यहाँ जाओ, तीर्थों में जाओ, तो जो तुम्हारी महारानी कुमति है ना, उन्हें घर के खूंटा में बांध के आ जाओ। अब महारानी सुमति को कंधे में बिठाओ, कह दो चलो हमारे साथ। और जब सुमति के साथ जाओगे तो तुम्हें वहां दर्शन करने का आनंद मिलेगा, सत्संग करने का आनंद मिलेगा। अब कुमति के साथ जाओगे तो तुम्हें मंच में, पंडाल में, बाबाओं में केवल कमियां दिखाई पड़ेंगी, तुम्हें और वहां कुछ दिखाई नहीं पड़ेगा, क्योंकि कुमति का यही काम है। लगता है वास्तव में विलंब लोग उठ के जाने लगे हैं। अच्छा, कल का समय महाराज जी जैसा मुझे सुझाव दे देंगे रहेगा। दो मिनट बैठ जाइए माता जी, बस इसको यहीं पे कर दूंगा विसर्जित, क्योंकि हम लोगों के पास दोनों मंत्र होते हैं। किसी भी कथा को चाहे तीन दिन कहते रहो, किसी कथा को तीन मिनट में समाप्त कर दो, वहीं पहुंच जाती है कथा, तो कथा ही होती है। बोलो यज्ञ नारायण भगवान की। भगवान शंकर कथा शुरू कर दिया और वो कहते भी थे और सुनते भी थे, और कथाकार वही है जो कहे भी और सुने भी। पर आजकल लोग सुनना नहीं चाहते, केवल कहने की बीमारी है। कथाकार सुनना नहीं चाहते, कहने की बीमारी है। पर हम लोग तो सुनते ज्यादा हैं, कहते कम हैं। हम प्रयास करते हैं कि सुनने को मिलता रहे, क्योंकि कहत सुनत और रघुपति गुण गाथा। भगवान शंकर ने कथा कहा और भगवान शंकर ने कथा सुना, और जब जो कहता है सुनता है तो वह दोनों चीजों को अपने जीवन में उतार लेता है। इसलिए आज का समय विलंब हुआ, निश्चित रूप से नई जगह, नई व्यवस्था, पहले दिन का कार्यक्रम दो बार प्रभु नाम लें, इसके बाद आगे कल जैसा महाराज जी का मुझे सुझाव मिलेगा उस आधार पर कल और परसों दो दिन आपकी सेवा करने का मुझे सौभाग्य मिलेगा। दो बार प्रभु नाम लें। श्री राम जय जय राम। आलिया जय राम।
सरकार की जय। अभी हम सब बहुत ही श्रद्धा पूर्वक पूज्य शंकराचार्य भगवान की ओजस्वी तेजस्वी वाणी में बड़ा ही सार गर्भित एवं जीवनोपयोगी चर्चा उनके मुखारबिंद से श्रवण कर रहे थे। वास्तव में बहुत समय के पश्चात उनकी वाणी श्रवण करने का हमें भी सौभाग्य प्राप्त हुआ है और जितने भी श्रोता हैं सभी अभिभूत हैं महाराज श्री की वाणी सुन करके। कल महाराज जी का समय, शंकराचार्य भगवान का प्रवचन का समय 4:30 बजे, ध्यान रखना। इसके बाद फिर कथा की पूर्ण वो विश्राम मिलेगा, आरती होगी। आज अभी आरती बाकी है। श्रद्धेय स्वामी जी महाराज का भी कल तक का कार्यक्रम है, उनको अभी बहुत आगे जाना है। स्वामी शारदानंद जी महाराज की पुण्यतिथि पर मैनपुरी जाना है, हमने विशेष आग्रह पूर्वक उनको भी बुलाया। महाराज जी की कृपा आज बरसी, अभी 2 दिन का समय और है। तो अब सब अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं, ब्राह्मण लोग आरती संपन्न कराएं। प्रसाद, आरती और प्रसाद लेकर के जाएं। ओम नितगंगभिः पजननामे अशुदतवीरगं दर्वगणगं सस्तये आत्मसाने प्रजासाने पदोसाने लोकसाने अभयसाने अग्निप्रजां बहुलामे करोत्वन्नं पयोरेतो अस्माशुदत आरार्थ पार्थिव मृजः पदुर्प्रायु धाम विधिवा सदा गुंसी बृहति विदिष्ठत आदेवं वर्तते तमः ओम कदली गर्भसंभूतं कर्पूरेण प्रदीपतम आरार्तिकमहं पूर्वे पश्यमे वरदो भव। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला है, नव ज्योति जगाने वाला है। अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला है, नव ज्योति जगाने वाला है। हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, जग के मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पावन कुमेत पापों को मिटाने वाला है, हरि दर्श कराने वाला है। शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला है, हरि दर्श कराने वाला है। शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला है,
हरि दर्श कराने वाला है। ये शांत गीत पावन बुने पापों को मिटाने वाला है, हरि दर्श कराने वाला है। ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी। ये मधुसूदन की आरती पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। जग फंद खोल सनमार्ग बताने वाला है, बिगड़ी को बनाने वाला है। ये मधुर बोल जग फंद खोल सनमार्ग बताने वाला है, हरि दर्श कराने वाला है। ये मधुर बोल जग फंद खोल सनमार्ग बताने वाला है, बिगड़ी को बनाने वाला है। मधुर बोल जग फंद खोल सद्मार्ग बताने वाला है, बिगड़ी को बनाने वाला है। श्री राम यही घन श्याम यही, श्री राम यही घन श्याम यही, ये प्रभु महिमा की आरती पापियों को पाप से है। कर पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्र हारम सदा वचनम त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण स्थितं तोयं भ्रामितं केशोपरि अंगलग्नं मनुष्याणां सर्वं पापं विपोयति।